तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो पार्ट टू है यहाँ पर फोनी मॉडेम का। मैं कहूँगा कि पहले वो दो पार्ट देखने के बाद ही ये वीडियो पार्ट टू देखे, उसके बिना ये पार्ट मत देखे, क्योंकि यहाँ पर जो फोनी मॉडेम का यहाँ पर दूसरा पार्ट है। जो हमारे पिछले वीडियो में जो हमारी कुछ सेटिंग्स रह गई थी उसके लिए यहाँ पर है हमारा दूसरा वीडियो है यहाँ पर। तो पहला पार्ट देखने के बाद ही ये दूसरा पार्ट देखे, क्योंकि आपको पता चले कि फोनी मॉडेम क्या है, यहाँ पर क्या यूज़ होता है। यहाँ पर पहले पार्ट में मैं सब कुछ बताया यहाँ पर। तो ये हम दूसरे पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर 6 नंबर नहीं मिलते, यहाँ पर आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो 7 नंबर में से कोई भी एक नंबर, आप कोई भी 7 नंबर चुन सकते हो। तो मैं 7878596 लिखा था। ओके, तो मुझे जो मुझे डायलिंग करेगा उससे मुझे ये नंबर लगाना पड़ेगा, तब ये जाकर डायल होगा। फिर दूसरा नंबर ऐड कर लेता, दूसरा नंबर मैंने नहीं ऐड किया। ओके, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो ये 2 नंबर मैंने एंटर कर लिए। अब बोला है कि यहाँ पर रूल्स क्रिएट करना है। ओके, ये प्रेफिक्स मैंने स्पेसिफाई किया, ये मेरा नंबर है, ये मेरे कंपनी का नंबर है, और उस कंपनी के एरिया के अंदर कोड का नंबर है। ओके, अब रूल्स के बारे में बात करता हूँ। तो जब आप डायलिंग करते हैं फोन नंबर को, तो ये जो प्रेफिक्स अलाउ क्या करता है, एक बार डायल करना चाहते हो या 2 बार, तो आप कर सकते हो इंक्लूड एरिया कोड, इंक्लूड भी कर सकते हो एरिया कोड को। तो इससे क्या होता है कि आप ओनली अप्लाई कॉल्स कर सकते हो, बना सकते हो किसके साथ, कोड के साथ और प्रेफिक्स के साथ। ओके, ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। ओके, तो ये मेरा सेट हो गया अहमदाबाद का, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, अगर मेरा कोई नया कोड, मैंने कोई नया कोड एरिया कोड डाला है, मुझे ये लोकेशन पर नहीं रखना है, तो ऐसा कर सकता हूँ। तो ये बात आती है यहाँ पर इस तरह की सिस्टम के अंदर। ओके, कॉलिंग कार। कॉलिंग कार क्या होता है कि जब हमारा डायल कनेक्शन होता है, तो हमारा जो कॉन्वर्टर के पीछे जो होता है, ये कॉलिंग का कार होता है। तो सेलेक्ट कॉलिंग कार यू विल यूज, तो आपको सेलेक्ट कॉलिंग कार को सेलेक्ट करना है, और इसके या तो फिर आपको नया कार कोई डिफरेंट ऐड करना है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, जैसे तो कॉलिंग कार के लिए ग्लोबल कार होता है, ताइवान और ताइवान टू US है, टेयर कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड होता है। तो जो भी आप यूज़ करते हो लाइन, वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। आपको सिंपली सीधा एंटर करना है, न्यू करना है तो न्यू कर सकते हो यहाँ पर। आपको कॉलिंग कार का नेम एंटर करना है, अकाउंट का नंबर होता है, और यहाँ पर पर्सनल पिन नंबर होता है। तो ये चीज़ जहाँ पर आपने कॉलिंग का नंबर दिया है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो मैं रखूँगा, अभी तो ज़्यादातर चलता है यहाँ पर हमारे। ओके, मैं क्लियर कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड से देख सकते हो यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल 050233333, और इंटरनेशनल कॉल्स के लिए ये होता है नंबर, और लोकल कॉल्स के लिए भी, दोनों तीनों के लिए सेम नंबर है। ताइवान के लिए ये पहले से यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेशनली है। फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जहाँ पर यूके की बात आती है, तो यूके के अंदर भी आप देख सकते हो पहले से ही यहाँ पर कॉल्स को डिफाइन की गई है। तो इस तरह से कॉल होती है। आप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपना कॉल्स, तो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से यूज़ करना है। ओके, अगर मुझे नहीं करना तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे नया करना तो कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंडिया कम्युनिकेशन। ओके, इंडिया कम्युनिकेशन लिखा मैंने, और मैंने अकाउंट का नंबर डिफाइन किया मेरे यार को सिर्फ बताने के लिए। जहाँ से आप कनेक्शन लोगे वहीं से ये चीज आती है। ओके, और यहाँ पर आप सकते हो, तो आपको सिलेक्ट करना होता है रूल्स। यहाँ पर वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स, इंटरनेशनल कॉल्स, तो ये भी चीज़ होती है यहाँ पर। तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के लिए भी मैं ये भी नंबर रख सकता हूँ। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर होते हैं, तो मैं भी अपनी कंपनी के लिए सेम नंबर ही रखूँगा। ओके, एक्सेस नंबर भी रख सकता हूँ यहाँ पर। ओके, इंटरनेशनल के लिए भी सेम नंबर रखता हूँ यहाँ पर।
एक्सेस नंबर, और लोकल्स के लिए भी ये सेम नंबर रखूँगा। लेकिन आप चाहो तो आप अलग अलग नंबर भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अप्लाई किया तो फिर से वार्निंग नहीं आई, और ओके किया तो हो गया, देख सकते हो ये मेरा आईडी आ गया इंडिया कम्युनिकेशन। ओके अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा तो वो सिलेक्ट हो गया। क्यों होता है ये चीज़? क्योंकि अगर हमारे इंटरनेट के ऊपर हमने जो लाइन ली है कम्युनिकेशन की, तो वो क्या होती है, पहले से ही डिफाइन होती है। तो आपको ये ज़्यादा समझना है तो आपको टेलीफोनिक कंपनी के अंदर आपको समझना होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो होता है ये डायलिंग रूल्स है। अब मॉडेम्स की बात कर देते हैं, तो मॉडेम्स क्या होता है कि हमारे पहले पुराने ज़माने में मॉडेम्स यूज़ होते थे, अभी भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हमारे मॉडेम्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर डायल अप मॉडेम का भी अलग अलग काम होता है। तो जो मॉडेम होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट कंपनी के भी होते हैं। तो आपको मॉडेम क्या ऑन करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करोगे तो डोंट सेलेक्ट माई मॉडेम, आई विल सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। तो मैं सेलेक्ट करूँगा लिस्ट में से, फिर क्या करेगा मॉडेम के क्या होता है, टाइप्स होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से मॉडेम होते हैं। तो बीपीएस होते हैं, बीपीएस का मतलब बीट पर सेकंड, ठीक है। तो इतने सारे स्टैंडर्ड के ऊपर काम होते हैं यहाँ पर, कम्युनिकेशन केबल बिटवीन टू कंप्यूटर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, आपको पैरेलल केबल के मिलता है आपको यहाँ पर। तो ये जो होती है यहाँ पर इतना सारा इतना काम होता है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के लिए आपको मॉडेम लगाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट करोगे, फिर आपको सिलेक्ट पोर्ट करना है, तो पोर्ट को सिलेक्ट करना है, ओके स्टैंडर्ड पोर्ट। तो पोर्ट सिलेक्ट करने वगैरह आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या होता है कि आपका जो पोर्ट होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो आपको पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद ही क्या होता है, यूज होता है मॉडेम। तो यहाँ पर इस तरह से मॉडेम को ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से होता है यहाँ पर, ओके। तो मॉडेम को सिलेक्ट करना है आपको, अटैच करना है। टच करने के बाद जो होता है वो नेस्ट करना है आपको यहाँ पर। फिर नेस्ट करने के बाद उसके पोर्ट को सिलेक्ट करके नेस्ट करना है, फिर आपको इसकी कुछ डिटेल्स आएगी वो आपको पढ़नी है। एडवांस में जाओगे तो यहाँ पर टेपी कर्नल मोड सर्विस प्रोवाइडर, यूनी मॉडेम 5 सर्विस प्रोवाइडर। ये दो क्या है, दो कंपनियाँ हैं पहले से, टेलीफोनिक कंपनी है। और टेलीफोनिक कंपनी में आपको कहा था कि ये कम्युनिकेशन बनाती है एक, हमारा जो इंटरनेट होता है उसी तरह से हमारा पहला जो, पहले इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट से पहले जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती थी वाया हमारे पुराने फोन से, मोबाइल से। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये जो टेलीफोनिक कंपनियां प्रोवाइडर होती है वही यहाँ पर काम होता है यहाँ पर, ओके। तो ये दो कंपनी ज़्यादा काम करती है यहाँ पर, टैपी और माइक्रोसॉफ्ट विंडो रिमोट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये दो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से है, तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, तो ये भी आ जाएगा। अप्लाई करना है और ओके करना है, तो ये फॉलो करेगा आपको एक तरह की गाइडलाइंस के लेकर, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा टेलीफोनिक सिस्टम, ओके। तो ये चीज़ होती है फोन एंड मॉडेम के अंदर। तो ज़्यादातर जो लोग अलग अलग तरह की सिचुएशन, जो हमारा जो मोबाइल के अंदर जो कंपनी के फ़ोन आते हैं वो ऐसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज होती है। तो आपने सीख लिया फोन एंड मॉडेम के बारे में, आज इस तरह का हमारा सिस्टम होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं आपको नेक्स्ट में सिखाऊंगा कि पावर ऑप्शन क्या होता है, और पावर ऑप्शन के अंदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑप्शंस। तो आपने फोन एंड मॉडेम के बारे में सीख लिया, किस तरह से फोन एंड मॉडेम यूज होता है यहाँ पर। अपने पिछले वीडियो में ना देखा तो आप देख ले, क्योंकि किस किस तरह की आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउजर वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको
वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे, तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।